आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कराऊंगा जो कि पुलिस रेंज है। जैसे मेरा पेपर था पीछे, फूड फूड इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर फूड सप्लाई का, उसमें भी क्वेश्चन बहुत गणे आए थे। इसमें तो जो सारे सेट थे उसमें तो रिपीट होकर आ रहे थे यार। हरियाणा पुलिस में आने के पूरे चांस है इसमें। तो ये हरियाणा प्रदेश के पुलिस रेंज, तो मैं बता दूं कि पाँच तो पुलिस रेंज है। इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाए। जैसे पाँच पुलिस रेंज है और तीन पुलिस कमिश्नर ही हैं। पांच पुलिस रेंज है जो मैडम ने हमारे तो फॉर्मूला बताया हुआ है, घर के एफ। तो घर के एफ में जी छोड़ना और एफ छोड़ना है, बीच के जो भी बच गए वो लेने हैं। जैसे एच ए आर और के। एच तो बन गया हिसार, ए तो बन गया अम्बाला, आर तो बन गया रोहतक, और के तो बन गया करनाल। और आर तो एक और बनेगा वो जो कि है रेवाड़ी। रेवाड़ी को हम कहते हैं साउथ रेंज। जैसे है साउथ पुलिस रेंज जो कि हमारे पास रेवाड़ी है। तो ये तो होगी पांच पुलिस रेंज। क्या क्या थी? घर के एफ मतलब जी छोड़ना है, एफ छोड़ना है, एच ते हिसार, ए ते अम्बाला, आर ते रोहतक, के ते करनाल, और आर ते रेवाड़ी जो कि साउथ पुलिस रेंज है। तीन पुलिस कमिश्नरी हैं, तीन पुलिस कमिश्नरी हैं जो कि जी पी एफ ते याद रखने। जी ते गुड़गांव, पी ते पंचकूला, एफ ते फरीदाबाद। तीन पुलिस कमिश्नरी, जी पी एफ, गुड़गांव, पंचकूला, फरीदाबाद, ये बताई थी तीन पुलिस कमिश्नरी। और दो हैं पुलिस जिला क्षेत्र जो कि है आसी, और आसी जो गुड़गांव में, आसी हिसार में है, मानेसर गुड़गांव में। दो पुलिस जिला क्षेत्र है आसी और मानेसर, जो कि आसी है हिसार में, मानेसर है गुड़गांव में। ठीक है भाई, ये लास्ट वाली लाइन और दे। जैसे तीन पुलिस कमिश्नरी जो तुमने तेरे तो बताया, जीपीएफ, जीपीएफ तक ये बनेगा जी तक गुड़गांव, एफ तक फरीदाबाद, पी पी तक पंचकूला। ठीक है, दो पुलिस जिला क्षेत्र आसी और मानेसर, आसी हिसार में, मानेसर गुड़गांव में। अम्बाड़ा को नई पुलिस रेंज बनाया गया है, आसी मानेसर को पुलिस जिला क्षेत्र बनाया गया है। ठीक है भाई, ये हो गया थारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर। इसमें पेपर में हरियाणा पुलिस के मारने के पूरे का पूरे चांस है। इसने बहुत बढ़िया तरीका तैयार कर लिया। धन्यवाद भाई, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना। ये तो एक दो वीडियो डालूंगा बढ़िया, जो तरीके से जो मैडम ने करा रखे उसी टाइप से। ठीक है भाई, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।